नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज बुलेटिन में इस बुलेटिन में बात करेंगे कैमूर की, जहां प्रेमिका की निशानदेही पर नहर में मिट्टी से दबा शव पुलिस ने किया बरामद। साथ ही बात होगी मोतिहारी की, जहां गर्म हवा का जोर लोगों को कर रहा परेशान। और बताएंगे कैसे शहडोल में गुप्ता परिवार द्वारा 7 दिवसीय श्रीमद भागवत कथा का किया जा रहा है आयोजन। और भी तमाम खबरों पर आइए, करते हैं विस्तार से चर्चा। कहते हैं प्यार अंधा होता है तो प्रेम प्रसंग में लोग जीने मरने की कस्में भी खाते हैं, लेकिन एक प्रेमिका कब साजिश कर आपकी हत्या कर दे कोई नहीं जानता। ऐसा ही मामला कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र के नरौरा गांव अनिल कुमार गोस्वामी का गांव का है, जहां संजय सिंह की पुत्री ज्योति कुमारी के साथ प्रेम प्रसंग था, जिसके चलते ज्योति कुमारी ने अपने प्रेमी अनिल कुमार गोस्वामी को मिलने के लिए फोन कर रात में बुलाया, जहाँ योजनाबद्ध तरीके से प्रेमिका ज्योति व उसकी दोनों बहन खुशबू व नेहा एवं नेहा का प्रेमी श्याम नारायण सिंह ने मिलकर गला दबाकर हत्या कर दी और साक्ष्य छुपाने के लिए गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर नहर में मिट्टी के नीचे शव को छुपा दिया। कैमूर एसपी ललित मोहन शर्मा ने इस मामले पर जानकारी देते हुए क्या बताया है, सुनिए। ग्राम नरौरा से एक व्यक्ति अनिल कुमार गोस्वामी के अपहरण की सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस के द्वारा इसमें त्वरित अनुसंधान करते हुए सीडिया का विश्लेषण किया गया, अन्य साक्ष्य संकलन किए गए और तब यह ज्ञात हुआ कि इसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद यह ज्ञात हुआ कि इस व्यक्ति की हत्या करके इसके शव को नौड़ा थाना के पास में ही एक जगह ठिकाने लगा दिया गया था। इसमें पूछताछ करके हम लोगों ने पुलिस में अनुसंधान के क्रम में उस शव को बरामद किया गया है अभियुक्तों के कन्फेशन के आधार पर। इसमें घटना कारण यह आ रहा है कि जो अभियुक्तगण है उसमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं और इन लोगों का फोटो वीडियो बना के प्रेम प्रसंग के चक्कर में वो लड़का ब्लैकमेल किया करता था। इससे यह अजीज होकर इन लोगों ने एक योजनाबद्ध तरीके से उसको अपने घर पे बुलाकर और फिर उसका गला दबाकर हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद इसके शव को ठिकाने लगा दिया गया था। इसमें जो पुलिस की टीम शामिल थी, इसमें थाना अध्यक्ष प्रियदर्शी थे और बाकी डीआई की टीम थी, सभी टीम को पुरस्कृत किया जा रहा है। कैमूर से सीनू संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। सुगौली के भटाव में एक चापाकल का पानी इतना ठंडा निकल रहा है, जहां पीने का पानी व अपने घर ले जाने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। शाम से रात तक पानी भरने के लिए लोग लाइन लगा रहे हैं, जहां अगल बगल के सैकड़ों की संख्या में लोग अपनी जीवा व प्यास बुझाने के लिए शीतल पानी पी रहे हैं और बोतल डब्बे में अपने घर पानी ले जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये पानी फ्रिज से भी ज़्यादा ठंडा है, जिसे पीने के बाद प्यास बुझ जाती है और मन को तसल्ली मिल जाती है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि उक्त कल पर पानी भरने के लिए आपाधापी की स्थिति है, जहां देर रात तक शीतल पानी भरने के लिए सैकड़ों की जमात इकट्ठा हो रही है। चापाकल पर इतना भीड़ होने का क्या कारण है? इतने हार्ड गर्मी में चापाकल का खूबी है, लगभग 9 या 10 डिग्री सेल्सियस गर्म पानी, ठंडा पानी दे रहा है, बहुत ठंडा पानी दे रहा है। रोज कितना लोग यहाँ से पानी भर कर ले जा रहा है? हजारों लोग पानी यहाँ से पी रहा है, लगभग 2 गांव का ही पानी जो है। यहाँ के लोग आके भीड़ शाम को सुबह में भर के बोतल बाई बोतल ले जा रहे हैं। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ पट्टी विद्युत उपकेंद्र सदाहा के डाही गांव में 25 केवीए ट्रांसफार्मर पर फ्यूज बांधते समय लाइनमैन करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया। एम्बुलेंस कर्मियों ने प्राथमिक उपचार करते हुए उसे सीएचसी पहुंचाया, जहां से उसे प्रयागराज रेफर कर दिया गया। पट्टी थाना क्षेत्र के रानीपुर गांव निवासी गया प्रसाद श्रीवास्तव का 48 वर्षीय बेटा राकेश कुमार श्रीवास्तव विद्युत उपकेंद्र सदाहा में संविदा लाइनमैन था। गुरुवार सुबह वह विद्युत उपकेंद्र गया था। वहां से सुबह लगभग 9 बजे वह विद्युत उपकेंद्र के डाही गांव में लगे 25 केवीए के ट्रांसफार्मर का फ्यूज बांधने के लिए चला गया। बताया जाता है कि वह विद्युत पोल पर चढ़कर ट्रांसफार्मर का फ्यूज बांधने लगा कि अचानक विद्युत आपूर्ति चालू हो गई। झटका लगते ही वह पोल से लटक गया। स्थानीय लोगों ने सूचना दी तो एम्बुलेंस 108 पहुंची। ईएमटी ने बर्न शीट के जरिए मरीज को एम्बुलेंस में लिटाया, लेकिन उसकी हालत नाजुक देख ईएमटी श्याम मणि ने एम्बुलेंस के ईआरसीपी कॉल सेंटर फोन किया। डॉक्टर की सलाह पर चलती एम्बुलेंस में प्राथमिक उपचार करते हुए सीएचसी पट्टी पहुंचाया, जहां से उसे जिला मुख्यालय और फिर प्रयागराज रेफर कर दिया। वहां पर डॉक्टरों ने हालत में सुधार नहीं देखा तो लखनऊ रेफर किया। वहीं एम्बुलेंस से ले जाते समय लाइनमैन की रास्ते में ही मौत हो गई। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता इस्माइल खान की रिपोर्ट।
झालावाड़ जिले के बकानी कस्बे के समीप स्वामी श्री रामेश्वर आश्रम धाम गुरुकुल में आज कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री व राजगढ़ के सांसद उम्मीदवार दिग्विजय सिंह उर्फ दिग्गी राजा ने स्वामी श्री रामेश्वर जी महाराज की विधि विधान से परिवार सहित पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। कहा जा रहा है कि 4 तारीख को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और दिग्विजय सिंह राजगढ़ से लोकसभा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े, जिसे लेकर उन्होंने सबसे पहले रामेश्वर आश्रम धाम गुरुकुल में पहुंचकर स्वामी जी का आशीर्वाद लिया। बता दें कि वह स्वामी जी महाराज के काफी पुराने भक्तों में से एक माने जाते हैं। उनके यहाँ वर्षों से आना जाना रहा है, जहाँ उनके साथ भारी संख्या में मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि स्वामी जी से उनका काफी पुराना रिश्ता है। झालावाड़ से सीनियर संवाददाता रमेश शर्मा की रिपोर्ट। शहडोल जिले के नगर परिषद बकहो नगर में दिनांक 27 मई सोमवार से चल रही श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा से नगरवासी भक्ति में होकर श्रीमद् भागवत कथा का आनंद उठा रहे हैं। कथा व्यास श्री आचार्य उपेंद्र कुमार पांडे जी ग्राम कुआं पपौन जिला शहडोल, जिनके मुखारविंद से समस्त नगरवासी श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं। गुप्ता परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा एक ऐसा ज्ञान है जिसे सुनकर ही जीवन तृप्त हो जाता है। भागवत पुराण हिंदुओं के 18 पुराणों में से एक है। इसे श्रीमद् भागवतम या केवल भागवतम भी कहते हैं। इसका मुख्य वर्ण्य विषय भक्ति योग है, जिसमें कृष्ण को सभी देवों का देव या स्वयं भगवान के रूप में चित्रित किया गया है। इसके अतिरिक्त इस पुराण में इस रस भाव की भक्ति का निरूपण भी किया गया है। कल दिनांक को श्री वामन अवतार श्री रामजन्म एवं कृष्ण जन्मोत्सव का कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कृष्ण के जन्म होते ही सभी श्रद्धालु और भक्तगण भक्तिमय होकर झूम उठे। श्रीमद् भागवत कथा की समाप्ति सोमवार 3 जून को विशाल भंडारे के साथ होगी। शहडोल से सीनियर संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।